अगर आप भी चाहते हैं माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से जुड़े रहने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ मनीष कुमार, राइटर माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का भाई, आप सभी का मित्र, आप सभी का दोस्त। आज हमारे साथ तीन तीन महारथी बैठे हुए हैं जो कि आज 8-10 दिनों से हमारे स्टूडियो में थे। कई सारे गाने इनके रिकॉर्ड हुए हैं, कई सारा गाना यमुना म्यूजिक भोजपुरी के लिए रिकॉर्ड हुआ है और सारे गाने का वीडियो इनका कंप्लीट हो गया है। और आज इनका जाने का टाइम आ गया है। ये लोग अपने अपने गांव लौट रहे हैं, जो जहां से आया है वो अपने अपने गांव लोग जा रहे हैं। जो कहीं काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, वहां से सब लोग छोड़कर माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली में आए थे गाना गाने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए। इनका रिकॉर्डिंग हो गया है, गाना रिकॉर्ड हो गया है, सब ऑडियो वीडियो फाइनल शूटिंग वोटिंग करके इनका काम क्लियर हो गया है। अब ये लोग गांव जा रहे हैं, तो बस हमने सोचा कि एक बार आप लोगों से रूबरू करवा दूं और जान लूं कि यहां रहने के बाद इतना दिन रहे तो कैसा लगा इनको, कैसा आनंद आया, कैसा अनुभव रहा, गाने में कैसा लगा, सब इनसे रूबरू करवाऊंगा। तो नाम एक बार मैं बता देता हूं। ये हमारे बीच में है मनीष यादव, और ये है कुमार शुभम, और ये है संतोष गुप्ता जी। जी हाँ, तो संतोष गुप्ता हैं, कुमार शुभम जी हैं और मनीष यादव जी हैं। ये लोग अलग अलग जिले से, अलग अलग जगह से चलकर आए हैं और ये अपने जिला का नाम बताएंगे और फिर उसके बाद आपसे मैं बात करता हूँ। तो आइए सबसे पहले शुभम जी, मनीष जी और संतोष गुप्ता जी, आप सभी का स्वागत है माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली में। और आपसे जानेंगे कि कैसा लगा यहाँ आने के बाद में। सबसे पहले मनीष यादव जी से। मनीष जी, पहले हमारे श्रोताओं से आप नमस्ते सलाम करें। नमस्कार, प्रणाम। हम रुआ सबके छोटे भाई मनीष यादव। देखिए, स्टूडियो तो घर का कोई महसूस नहीं होगा। ये स्टूडियो एक आइएगा तो बुझेगा मेरा ही घर है। ये है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ बुझे सब अपना है, अपना आदमी, कोई एक तो कोई किसी चीज़ का भी दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए मैं आप सबसे। और अपना जिला बताइए कि आप कहाँ से आए हैं। मेरा जिला समस्तीपुर, ग्राम रसलपुर, पोस्ट भाद्रपुर, थाना विद्यापति नगर, भया दल सिंह सराय। समस्तीपुर मेन जिला हो गया। तो ये समस्तीपुर से आए हैं, अपना परिचय इन्होंने बता दिया गांव। क्योंकि देखिए, यहाँ कई लोग जब काफी दिन रह जाते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। और ये बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं स्टूडियो के बारे में, लेकिन वो थोड़ा सा कैमरे की वजह से बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन बहुत कुछ इन्होंने कम शब्दों में बताया। समस्तीपुर जिला से यहाँ डायरेक्ट चलकर आए गांव से, और यहाँ इतना दिन ये रहे, इनका गाना हुआ, प्रोजेक्ट हुआ, शूटिंग वीडियो सब कुछ हुआ, और आज ये अपने गांव लौट रहे हैं समस्तीपुर के लिए। और उनके साथ ये हमारे बक्सर जिला से कुमार शुभम जी आए हैं, जो कि भोजपुरी का गढ़ कहा जाता है बक्सर जिला। तो बक्सर से चलकर हमारे बीच में आए हैं कुमार शुभम जी। अपना भी आप इंट्रोडक्शन दें। नमस्कार, प्रणाम। हम कुमार शुभम, हम बक्सर जिला से बनी। ये स्टूडियो में माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो बहुत अच्छा बाटे। यहाँ के मनीष जी राइटर, यहाँ के गुरु बानी हमार इजा के इतना अच्छा लागल, इतना सब कुछ मिलल, अपना घर जैसे हमारा लागल, कोनो दिक्कत के ना लागल कि हम अपना घर मिल बानी आ घर जैसा बानी। आ जो कुछ बाटे एकदम हमने के एकदम दिल से हमने के भैया इसी करनी, सेवा करतनी, आ रखा तनी, सिखावा तनी, सिखा के गवावा तनी। हमारा ना लागल कि हम नया बानी, आ के जा हम गा पाइब, कर पाइब, बाकी बहुत कुछ है जाके हम अच्छा कर पैनी। हमारा बहुत अच्छा लागल। चलिए शुभम जी, ये बक्सर जिला से हैं और इनका चार गाना, चार ऑडियो और दो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है यमुना म्यूजिक भोजपुरी के लिए, और सारे गाने का शूटिंग हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया। ये बताइए शुभम जी कि यहाँ आप कई दिन रुके? मेरे ख्याल से 6-7 दिन, 8 दिन हो गए आपको। दस दिन हो गया। ओके, 10 दिन हो गया। तो देखिए क्या होता है, लोग काफ़ी दिन रह जाते पता नहीं चलता है, और जो कोई जाने लगता है तो हमें भी तकलीफ होती है। इतना दिन रहने के बाद कोई जाता है तो ऐसा लगता है कोई अपना परिवार, अपना सदस्य, अपने अंग का एक हिस्सा जो है हमसे बिछड़ रहा है, तो ऐसा होने लगता है, दुख होता है हमें भी। लेकिन क्या करें, स्टूडियो है, थोड़ा सा कठोर जानबूझ के हमें बनना पड़ता है। तो कैसा लगा यहाँ पे इतना दिन आप रहे, सुख दुख अपने बारे में कुछ बताइए। पहले तो हमको जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से छोड़ के, स्टूडियो जा रहे हैं तो लग रहा है कि मैं रो दूँ। भैया जी के छोड़ के जाने का मन नहीं कर, लग रहा है कि अब कैसे छोड़ूँ, अब अगर क्या करें, जाना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे तो दूसरा कैसे आएगा, ये जगह कहाँ रहेगा, मगर सब कुछ देखना पड़ता है इसमें। हमको यहाँ इतना अच्छा लगा, इतना प्यार मिला भैया को, और सब लोग दिए,
इतना अच्छा महसूस हुआ कि हमको क्या बताएं आप लोग से। आप लोग भी आइए, देखिए भैया कितना अच्छा से सब कराते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। आगे बढ़ने का चांस यही है कि आप आइए यहाँ पर, एक बार जरूर आइए और देखिए कि हाँ यहाँ पर क्या सब कुछ सुविधा जो भी है भैया अच्छे से देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रहने खाने का सब कुछ है, कोई नहीं है अपन यहाँ पर। मैं बोलिए मैं इतना कहूँगा कि पहली बार आया हूँ, हमको नहीं लग रहा है कि मतलब कि पहली बार आया हूँ यहाँ पर, लग रहा है कि मैं पहले से आ चुका हूँ यहाँ पर। और सब मेरा नहीं, मेरे के नहीं, सबको एक बराबर देखते हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। देखिए यहाँ लोग आते हैं तो हमने कई बार हर इंटरव्यू में मैं बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि यहाँ आने के बाद लोग स्टूडियो कम अपना घर ज़्यादा समझते हैं। मैंने बताया कि जो लोग यहाँ सब खाते हैं रुखा सुखा, सब लोग मिल बांट के एक साथ खाते हैं, एक साथ नीचे बिछा कर सोते हैं, जैसे मतलब अपने घर में लोग रहते हैं। जो भी माड़ भात मिल जाए, दाल भात मिल जाए, बासी भात मिल जाए, जो मिलता है सब लोग बड़े प्यार से ग्रहण करते हैं, वैसे यहाँ पर है। बिल्कुल कोई कुछ नहीं कहता कि मैं ये खाऊंगा मैं वो खाऊंगा, जो देखते हैं कि भाई बना है आज सब्जी चावल है तो सब्जी चावल खा लिए, दाल चावल है दाल चावल चोखा है, जो मिलता है सब लोग बड़े ही प्यार से यहाँ पे खाते हैं। इस खाने में एक भाव भी अलग होता है, प्यार अलग होता है। तो यहाँ पे बस समझ लीजिए कि लोग आते हैं तो खुश होकर जाते हैं, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि खुश होकर जाएं। हमारे संतोष जी हैं, जो कि आप अपना जिला बताएं और इनसे दो सलाम एक बार कीजिए। नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है संतोष गुप्ता और मैं यूपी सोनभद्र से बिलोंग करता हूँ। और यूपी में मैं सोनभद्र जो है जिला है, वहाँ से अनपारा गाँव है, अनपारा मार्केट है, गाँव मार्केट से भी मेरा दूर है, तो जो मार्केट है वही मैं बता देता हूँ, ठीक है। और हमको तो यहाँ पे आज लगभग 14-15 दिन हो गया है। 14-15 दिन हो गया आपको? हाँ। देखिए तो हमको पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छे से रहते हैं ना सब लोग, एकदम भाई बहन की तरह जो भी हैं यहाँ पे, अपने फैमिली की तरह, पता ही नहीं चलता है कि कितना दिन हो गया, ठीक है। तो मेरा भी गाना आया है यमुना म्यूजिक पे, उसको आप लोग जरूर सुनिए और प्यार दिलार दीजिएगा। एक होली का गाना एक आरसीएम से भी रिलीज हो रहा है। हाँ, एक आरसीएम से है होली का, और बाकी यमुना म्यूजिक से है इनका, शुभम जी का 4 ऑडियो है, यमुना म्यूजिक से है 2 वीडियो है, ये मनीष यादव जी का जो है 2 ऑडियो 1 वीडियो है यमुना म्यूजिक से। तो आप लोग जितने हमारे यहाँ कलाकार आते हैं सब लोगों को आप लोग प्यार स्नेह आशीर्वाद देते हैं, वैसे ही मैं चाहूँगा आप लोगों से विनती करूँगा कि यमुना म्यूजिक को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अच्छे लोग भी गाते हैं, बुरे लोग भी गाते हैं, जो बुरे गा रहे हैं वो समझिए कि सीख रहे हैं, अभी वो बच्चे हैं नादान हैं, उनको हम ये नहीं कहेंगे कि वो बुरा गाते हैं, बेसुरा हैं, बेतला, ऐसा नहीं उनको कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए सीखने वाला हर आदमी थोड़ा सा वो करता है, जब बच्चा चलता है तो वो गिरता है, कहीं टूटता है कहीं फूटता है, तो वो चलना नहीं छोड़ देता। ऐसे ही आज ये खराब गाएंगे तो कल अच्छा भी गाएंगे, तो मैं सभी को कहता हूँ कोई निराश ना हो, अगर आप अच्छा नहीं गा पा रहे हैं तो निराश मत होइए, हम अपनी प्रयास को जारी रखेंगे, जो खराब करता है वही अच्छा करता है, बस मैं इतनी बात जानता हूँ। और किसी को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं, कोई खराब गाता है तो हम लोग म्यूजिक में खराबी नहीं करते, म्यूजिक अच्छा देते हैं, रिकॉर्डिंग अच्छा करते हैं, उनको कोशिश टाइम दिया जाता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको टाइम दे के गवाया जाए। तो अगर किसी को नहीं पता है तो आप माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली का चैनल खोलिए और चैनल पे देखिए कैसे सिंगरों पे मेहनत कराया जाता है, मेहनत किया जाता है। तो बाकी अपनी अपनी किस्मत, अपना अपना नसीब है लोगों का कि कौन हिट होगा कौन फ्लॉप होगा, वो हमारे हाथ में नहीं है, इसकी चाबी जो है ऊपर वाले के हाथ में है, प्रभु के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। और बाकी इंसान की अपनी अपनी मेहनत है, जो जितना करता है उतना ही पाता है। तो बस मैं यही कोशिश करता हूं कि आप लोग बने रहें, जुड़े रहें और यमुना म्यूजिक भोजपुरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आए दिन इस पर अच्छे अच्छे वीडियो आ रहे हैं, धमाकेदार वीडियो आ रहा है, 4-4 चैनल है मेरा, यमुना म्यूजिक भोजपुरी है, यमुना डीजे हिट है, यमुना भक्ति म्यूजिक है और यमुना म्यूजिक जक्सन है। तो दोस्तों इन सबको सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे बड़ा जो चैनल हमारा माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली है, जो कि आए दिन इस पर इंट्रोडक्शन मिलता रहता है बड़े बड़े कलाकारों का, छोटे छोटे कलाकारों का, नए पुराने सारे कलाकार इस चैनल से इंटरव्यू के लिए आते रहते हैं। तो इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहे बने रहे। और जो ऑफर चल रहा है हमारे चैनल पे 5,500 रुपये में 2 ऑडियो 1 वीडियो, इसका आप लोग आनंद उठाइए, उसमें 2 गाना भी लिखवा कर हम देते हैं, 2 ऑडियो बनता है और 1 वीडियो होता है, तो इसका भी आप लोग आनंद उठाएं जैसे हमारे भाइयों ने हमारे बच्चों ने उठाया है, और लोग संतुष्ट हैं खुश हैं। चैनल पे व्यू आता है कम या ज़्यादा उससे मतलब नहीं है, बस आपको एक सीखने को देखने को मिलता है कि आप कैसा गा रहे हैं क्या कर रहे हैं, उससे आदमी का मनोबल बढ़ता है कि हम खराब गाए तो अगली बार कोशिश करते कि मैं और इससे अच्छा गा के जाऊँ। तो मुझे दुख नहीं होता है कोई खराब गा रहा है या अच्छा गा रहा है,
मुझे मालूम है कि इनका अनुभव बढ़ रहा है उससे। जब तक हमें भूख नहीं लगेगी तो अन्न की कीमत हमें कैसे पता चलेगा दोस्तों। उसी तरीके से बस जब तक ये खराब नहीं जाएंगे अच्छा करने की प्रयास कैसे करेंगे। तो चलिए इसके साथ ही आप सभी से विदा चाहते हुए, हमारे शुभम जी हैं और संतोष जी हैं और मनीष यादव हैं, और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? मनीष जी, हमको तो इतना ही कहना है बस, मगुन हम अभी गुजरात से आए हैं, फिर गुजरात लौट के जा रहे हैं, फिर 2 महीना के बाद हम फिर यहीं आएंगे, फिर अगला इंटरव्यू देखिएगा। मैं आप सभी को सपोर्ट में चाहता हूँ, जितना जल्दी आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा उतना ठीक रहेगा। चलिए बस आप लोग बस इन पे अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें, और हमारे यहाँ पे कुमार शुभम के नाम से जो गाना आएगा, इनका नाम सिंगर का है कुमार शुभम, इनका मनीष यादव के नाम से आएगा, इनका संतोष गुप्ता के नाम से आएगा यमुना म्यूजिक से। सो आप लोग गाना को जरूर सुने और लाइक भी करिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट करके बताइए भी कि गाना अच्छा लगा या बुरा लगा। तो दोस्तों बस आप अपना प्यार बनाए रखें, बस आप सभी से विदा चाहते हुए मैं मनीष कुमार राइटर आप सभी हमारे भाइयों के साथ में मिलजुल के आप सभी से आशीर्वाद चाहते हुए, प्यार चाहते हुए, विदा चाहते हुए, जय पूर्वांचल, जय बिहार, जय माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।